आप टेक्नोटेक जीपीएस का कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आपको नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख जाएगा, इस पे सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बगल में बेल आइकन है, इसको दबाना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कैसा भी जीपीएस है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करके उसको चालू करा सकते हैं। नीचे आपको नंबर दिए गए हैं, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल भी कर सकते हैं। कैसा भी जीपीएस हो आप उसको ऑनलाइन मैप के ऊपर चलता हुआ देख सकते हैं। फिर हेलो दोस्तों, आज हम लगाने वाले हैं स्कॉर्पियो में जीपीएस। उसके लिए सबसे पहले हमें आपका ये खोलना होगा। इसको खोलने के लिए इस तरीके से लगा होता है, नीचे से हम ऊपर की तरफ धक्का मारेंगे। ये देख लीजिए, ये इस तरीके से है आपको। तो जब ऊपर धक्का लगेगा इसमें तो ये खुल जाएगा। उसके बाद आपका नंबर आता है इसको खोलने का। इसमें नट है आपके 1 2 3 4 5, 5 नट है। 5 मिनट खोलने से ये खुल जाएगा आपका। अब हम इसमें चेक करेंगे वायरिंग, कौन से में डायरेक्ट करंट आ रहा है और किसमें एसीसी आ रहा है हमारा, और कौन सी वायर हमारी कट होगी। हेलो दोस्तों, हमने अभी ये आपका जीपीएस ले लिया है। इसके लिए अब हमने मीटर से टेस्ट करेंगे इसका। मीटर से चेक करेंगे किसमें करंट डायरेक्ट आ रही है और किसमें बाहर वोल्ट आ रही है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये आपका बॉडी अर्थ है ब्लैक वाला, इसको हम 20 पे कर लेंगे। और ये बॉडी अर्थ हम इसका यहाँ पे कहीं फंसा लेंगे टेम्परेरी बेस पे। ज्यादा बिजी हो रहे हैं, क्या हुआ दिखा दो। टेम्परेरी बेस यहाँ पे फंसा लेंगे, थोड़ा दूर से लियो। ये हमने यहाँ पे नेट पे लगा लिया। अब ये पीली वाली वायर में देखो 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है। और ये जो इसमें एक वाइट है, वाइट वायर है, इसमें चाबी ऑन होने के बाद करंट आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको निकाल चुके हैं, दोबारा लगाने से बेटर है हम इसको यहीं से चेक कर लेते हैं। अभी इसमें करंट नहीं आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें करंट अभी नहीं आ रहा है। तो हम देख लेते हैं वो आगे। तो दोस्तों हम इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, येलो में डायरेक्ट करंट आ रहा है, येलो और ये वाइट, इसमें डैशबोर्ड की लाइट जल रही होगी। ये देखिए जिसमें डैशबोर्ड की लाइट जल गई है, ये देखिए जिसमें डायरेक्ट आ रही है उसमें लगाना है। उसके बाद जिसमें से डैशबोर्ड की लाइट जल रही है ये वाइट वाली है। तो अब हमारा एसीसी भी यही है जिसके अंदर हमारा। और अब हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट इस पे लगा देंगे। ये हमारा डायरेक्ट लग गया। और एसीसी आपका इस पे लगा देंगे, इस वाइट पे। हल्का सा इस तार को आप छील भी सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये थोड़ा सा निकला हुआ था तार, तो मैंने इसको इसी पे लपेट दिया है, इसी पे लपेट दिया है मैंने। अब आपका रह गया है ब्लैक वायर। ब्लैक वायर को आप बॉडी अर्थ दे देंगे। बॉडी अर्थ मतलब पूरी बॉडी में आता है, आप जहां भी आप नट खोल सकते हैं उसको बॉडी अर्थ दे सकते हैं। आप ये नट है इसका यहाँ पे, इसमें दे सकते हैं बॉडी अर्थ। और बॉडी अर्थ हमेशा हैवी देना है। इसको मैं दे देता हूं, ये आपका बॉडी अर्थ है। ये नट है इसके पीछे की साइड, इस पे लगा देता हूँ मैं। हेलो, इस पे मत लगाइए, ये निकल सकता है। ये नट है आपका, इसमें लगा सकते हैं आप ऑन बॉडी अर्थ। इसको निकाल के इसमें लगा दीजिए। इसको मैं टेम्परेरी लगा देता हूँ दिखाने के लिए। वैसे आप इस पे भी लगा सकते हैं, ये नट निकला हुआ है। इसको थोड़ा लंबा छील लीजिए। इसमें आपका एसीसी लग गया है और ये मैंने यहाँ पे बॉडी अर्थ लगा दिया है। अब ये आपका जो जीपीएस, अगर मैं ये बताओ जीपीएस आपका यहीं पे कहीं पे लगा लेंगे टाई से। ये टाई आती है मार्केट में, इससे हम लगा देंगे यहाँ पे। और अगर आपका इंजन ऑन ऑफ का जीपीएस चाहिए आपको,
तो ये वायर कटेगी व्हाइट वाली, येलो के बगल में व्हाइट है जिसमें हमने एसीसी दिया, यही व्हाइट वायर कटेगी और इसी में रिले के कनेक्शन हो जाएंगे। जो वायर कटेगी आपकी रिले की, यहाँ से अगर मान लीजिए कटोगी तो एक तरफ ये लग जाएगी, दूसरी तरफ ग्रीन लग जाएगी, ठीक है, येलो येलो में चली जाएगी और व्हाइट रेड के साथ कनेक्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से आपकी रिले भी लग जाएगी अगर आपका इंजन ऑन ऑफ का जीपीएस है तो। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।